हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अपन ने रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर नया शुरू करा था पिछले टर्न पर, तो आज उस चैप्टर में हमने आपको ये अपना पीडल पोलर इक्वेशंस तक के बारे में अपन ने बात कर ली थी कि पोलर इक्वेशन अगर है तो उसका अपन जो है कर्व का चाप का लेंथ कैसे निकालते हैं, ठीक है। और ये पहले पैरामेट्रिक इक्वेशन ये सब अपन ने बात कर ली थी, पोलर इक्वेशन अगर है तो चाप कलन कैसे करना है इस बारे में बात कर ली थी। अब हम जो है एक नया कंसेप्ट आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और ये है अगर पेडल इक्वेशन है, पेडल इक्वेशन उस केस में जो है चाप की लंबाई आपको कैसे फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, चाप के पी क्या होता था, पी होता था कि कर्व के जो टेंजेंट पे मूल बिंदु से डाला गया लंब होता था, ठीक है। मूल बिंदु से जब लंब डालते थे, ये कोई चाप है, कर्व है, इस पे अपन ने किसी बिंदु पर टेंजेंट खींची तो ये जो लंब डाला था इसकी लंबाई कितनी होती थी, पी। ये आपको रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि पी क्या चीज़ है। तो ये कहता है यदि वक्र की समीकरण पादिक पी बराबर एफ आर रूप में दी हुई हो तो ध्रुवांतर रेखा आर वन और आर टू के मध्य चाप की लंबाई। तो इस आर्टिकल में फोटो कैसा बनेगा, वो इस तरीके का बनेगा। ये ध्रुवांतर रेखा, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, पी है, ये क्यू है, आप पी पे पहुँचे, यहाँ पहुँचे और क्यू पे पहुँचना है। तो यहाँ, सॉरी एक मिनट, दोबारा से फिगर ड्रॉ करूँ, थोड़ा प्रिसाइज फिगर लेना पड़ेगा इसमें हमको। मान लो ये है, ये पी पॉइंट है और ये आपका आगे ये वाला मान लो क्यू पॉइंट है। तो ये पॉइंट तो है कितना, इस पे आपको ये वाली डिस्टेंस तो आ रहा है पहला वाला आर वन और दूसरा डिस्टेंस आपका मूल बिंदु से, सॉरी ये मूल बिंदु से लेंगे तो आर टू आएगा, ठीक है। ये फिगर इस तरीके का है, यहाँ पर इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए आपको आर वन चाहिए और इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए मान लिया आर टू चाहिए, ये फिगर बनेगा, ठीक है। और कर्व के किसी बिंदु से टेंजेंट की जो लेंथ है, नॉर्मल की जो लेंथ है वो है स्मॉल पी, ठीक। तो पी बराबर एफ आर रूप में दी हुई हो तो ध्रुवांतर रेखा आर वन और आर टू के मध्य चाप की लंबाई साहब ये होती है। तो बड़ा अच्छा आर्टिकल है, एक छोटा सा, तीन एक नंबर के लिए बहुत फिट बैठता है ये आने के लिए। तो अवकलन गणित से हम जानते हैं, क्या जानते हैं साहब, पी बराबर आर साइन फाई होता है। ये मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन के चैप्टर में घुसते ही पहले बता दिया था, साइन फाई बराबर पी बाई आर निकाल लिया, टेन फाई होता है पी अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस बारे में अपन बात कर सकते हैं आराम से, टेन फाई की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, ठीक है। क्योंकि आपके पास साइन फाई आ गया ना तो ट्राइंगल बना लेंगे आप, फाई की वैल्यू ये फाई है, साइन फाई लंबटे आधार आधार करके आप साइन फाई की वैल्यू निकाल ली तो ये आ जाएगा अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जो भी आना होगा। लंबटे कर्ण तो पी बाई आर है तो ये वाला जो आ जाएगा आपके पास टेन फाई इज इक्वल टू पी बाई अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये वर्कआउट कर लेंगे अपन आराम से। अब पुनः हम जानते हैं कि आर इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी आर है, तो टेन फाई बराबर ये होता है आपके पास, ठीक है। तो डी एस बाई डी आर की जो वैल्यू है ये आप पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, पहले जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसमें डी एस बाई डी आर ही है। अब आपने क्या करना है, तीन में दो का प्रयोग करना है। दो क्या था आपके पास, टेन फाई की वैल्यू ये थी, जब तीन में दो बाई डी एस बाई डी आर निकाला अपन ने तो वन प्लस डी थीटा बाई डी आर की जो वैल्यू है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ से, तो ये आ गया आपके पास सिंपल। तो एस बराबर द रूट, सॉरी इंटीग्रल आर डी आर बाई अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये बहुत छोटा सा एक आर्टिकल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण ये है कि साहब इसमें पहले यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब डिफरेंशिएशन में आपको करा रहा था तो मैंने कहा था पी बराबर आर साइन फाई, ऐसा फॉर्मूला कहीं भी लगेगा, ये कहीं भी आ जाएगा धीरे से, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये फॉर्मूला कहाँ से कैसे डिराइव करा था। और ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, डिफरेंशियल वाली जो फर्स्ट चैप्टर है वो उठा के देखें, वहाँ अपने इसको डिराइव करा हुआ है। तो दोबारा से एक बार कर लें, साइन फाई की वैल्यू है टेन फाई निकाल लेंगे अपन इससे, आर डी थीटा बाई डी आर टेन फाई होता है, ये वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल ली, और डी एस बाई डी आर ये होता है। तो अब आपने करना कुछ नहीं, आपने जो है तीन में दो का प्रयोग करना है। दो का प्रयोग क्या करना है, जहाँ डी टी आर डी थीटा बाई डी आर है वहाँ वैल्यू ये वाली रख देनी है आपने, बस ये रख दी, हो गया काम।
तो एस बराबर ये आ गया। ठीक है, अब एक चीज अपन और कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंट्रिंसिक इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है और इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस भी खूब सारे आने वाले हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो किस तरह की है देखें आप, यदि वक्र पर किसी स्थिर बिंदु ए से चर बिंदु पी तक चाप की लंबाई एस हो, ए से चले अपन और चाप ये खींचा और इसकी यहाँ से ए से लेके पी तक की लंबाई कितनी है, छोटा वाला एस है, और उस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या हो, साई हो, ये जो है एंगल कितना है, साई है। तो एस तथा साई के संबंध को वक्र का न्याय समीकरण कहते हैं। बस खास बात ये साई एंगल तो मैंने आपको बताया ही था, जो टेंजेंट होता है ना ये जो बनाता है एंगल, ये साई होता है। तो ए बिंदु से चले यहां तक पहुंचे, ये दूरी थी एस और ये एंगल था साई। तो एनी रिलेशन बिटवीन एस एंड साई इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ डेट कर्व। तो साई हो तो एस तथा साई के संबंध के मध्य संबंध को वक्र का न्याय समीकरण कहते हैं, ध्यान रख लें आप इस चीज को। तो क्या कहता है फिर आगे, किसी भी बिंदु के लिए एस और साई केवल वक्र के रूप पर निर्भर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, एस कितना होगा, कर्व कितना शार्प है, कैसा ब्लंट है, ये ऐसी तो है ये दूरी, हो सकता है ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक ऐसा हो, तो कर्व की शेप पे डिपेंड करना है। और साई क्या है, ये साई है, इस बिंदु पे खींची गई टेंजेंट, इस बिंदु पे खींची गई। तो क्या होता है, कर्व का जो शेप है किस पे, बिंदु के लिए एस और साई केवल वक्र के रूप पर निर्भर होता है, समतल में उनकी स्थिति पर नहीं, समतल पर कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो। अतः यदि वक्र समतल में अपनी स्थिति बदल दें तो भी वक्र के किसी बिंदु के नैज निर्देशांक नहीं बदलेंगे। ये चीज है खास आपके लिए कि अगर कर्व ये है, ये डिस्प्लेस होकर के कहीं यहाँ पहुंच जाए, कर्व की शक्ल वही रहे, तो एस और साई जो है कभी भी नहीं बदलेंगे, तो भी वक्र के किसी बिंदु पे नैज निर्देशांक नहीं बदलेंगे। ये खास चीज है टू ऑब्टेन द इंट्रिंसिक इक्वेशन फ्रॉम कार्टेशियन इक्वेशन। ये एक आर्टिकल है फिर से कि इंट्रिंसिक इक्वेशन कैसे निकालनी है हमको कार्टेशियन इक्वेशन से। तो सिंपल है, सबसे पहले ये फिगर तो आपको ध्यान है ही है, उसके बाद ये एस है, एस क्या है, ए टू बी अंडर द रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये सिंपल है, ये तो अपन जानते ही हैं। उसके बाद अपन आगे चले हैं, तो टेन साई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको क्या करना, एक तथा दो से एक्स वाई का विलोपन करना है आपको, एक तो ये वाली इक्वेशन है और दो टेन साई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है। तो जैसे ही एक्स और वाई हटेंगे तो इक्वेशन किस में आ जाएगी, एस और साई में आ जाएगी। तो एस और साई में जो भी इक्वेशन होती है उसको अपन क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक इक्वेशन कहते ही हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो बस सिंपल काम आपने जो करना है वो ये करना है कि आपको एस और साई के मध्य में जो है संबंध निकालना है, वो बन जाएगा। तो पहले तो एस की वैल्यू जो फॉर्मूले से है वो रख दो, टेन साई बराबर डी वाई बाई डी एक्स होता ही है, ये आप जानते ही हो। इन दोनों में से अपने को क्या करना है, एक्स और वाई को विलोप कर लेना है, तो अपने को क्या आ जाता है, इंट्रिंसिक इक्वेशन आ जाती है। तो ये आर्टिकल क्या था एग्जैक्टली, आर्टिकल था टू ऑब्टेन इंट्रिंसिक इक्वेशन फ्रॉम कार्टेशियन इक्वेशन, यानी कार्तिकीय निर्देशांक में अगर अपने को कोई इक्वेशन दे रखी हो तो उस इक्वेशन से अपने को इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी है। तो एक तो ये फॉर्मूला और एक सिंपल फॉर्मूला टेन साई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, इन दोनों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इंट्रिंसिक इक्वेशन उस कर्व की हम निकाल सकते हैं। तो आज के लिए अपन ये थोड़ा सा ही छोटा लेंगे लेक्चर ये वाला, क्योंकि इसको आपको इस आर्टिकल को एक बार अच्छे से करके तैयार करना है, दूसरी बार आपको इंट्रिंसिक इक्वेशन की डेफिनेशन के साथ इस वाले कर्व को बुक में से देखते हुए ड्रॉ करना है, अच्छे से इसको समझना है कर्व को अपन ने। और ये जब समझ में आ जाएगा तो इससे रिलेटेड फिर आगे जो है अपन काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस देखेंगे जो इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालने के ऊपर आधारित हैं। तो इस चैप्टर में खास काम आपका रहेगा इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालना,
अलग अलग तरीके से। तो उसके लिए अपन जो है अभी पहले इस प्रायर आइडिया को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाने की कोशिश करेंगे। तो अगले टर्न पर जो है अपन कुछ और एग्जांपल्स और क्वेश्चंस लेकर के इस कंसेप्ट को और इलैबोरेट करेंगे। ओके, थैंक्स।